आशा का मंडली, वेलकम टू 1760 कोष्टी। और अब है हम नासिक में, और नासिक एक्चुअली मेरा ससुराल है। और ये रही मोना जो आपको पीछे दिख रही है। तो आज हम लोग फूड टूर कर रहे हैं नासिक का। सुबह से जल्दी निकलना था बट थोड़ा लेट हो गया है, बट अभी हम यहाँ पे आएंगे। और सबसे पहला जो चीज़, तो फर्स्ट लोकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है पांडे मिठाई। तो यहाँ की लस्सी मुझे बहुत पसंद है, बहुत जगह की लस्सी हमने ट्राई की है, लेकिन पांडे लस्सी पे बहुत फेमस है। और हमारे साथ इस बार आई है सानिका, और सानिका को लेके हम आए हैं, और मुझे उसको यहाँ पे लेके आना ही था। तो ये रही सानिका। और सानिका, अगर ये टेस्ट करोगे तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट लस्सी दैट आई हैव हैड। तो तेरा ओपिनियन जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो मैं देखते हैं कि इनको कैसे लगता है। तो जैसे मैंने कहा था, ये है पांडे मिठाई, और यहाँ की लस्सी बहुत ही अच्छी है। गुलाब जामुन भी है यहाँ पे, हम एक या दो लेके टेस्ट करेंगे। बट ये लस्सी हम बहुत बार आते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं, मिलती नहीं है, बहुत कम स्टॉक में रखते हैं, बट थैंकफुली आज मिली है। तो ये है वो लस्सी जिसके बारे में मैं बता रहा था, और पांडे जी की लस्सी हम दो तीन बार जब भी आए यहाँ पे मिलती नहीं है, बट ये बहुत ही बढ़िया लस्सी है। ये हाफ लस्सी हमने मंगाई है, इसके अंदर मलाई है, और वो मलाई के साथ ये लस्सी मतलब ब्लिसफुल है। और जैसे कि सानिका ने भी टेस्ट करके बताया, ये बहुत अच्छी है। लस्सी के बाद मौका आता है गुलाब जामुन का, और पांडे मिठाई में लस्सी के बाद गुलाब जामुन बिल्कुल टेस्ट कीजिए। वेल, अभी हमने बस मंगाए थे और ये रहा उस गुलाब जामुन का हालत, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि आप लेते ही चटक जाओगे। सो पांडे मिठाई के बाद हम लोग अपनी सवारी आगे लेके जाएंगे। ये था पांडे मिठाई का हॉल। आगे हम लोग और भी कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सो पांडे लस्सी में जो लस्सी जो अभी मैंने आपको दिखाई वो है 30 रुपीज़ हाफ, और 60 रुपीज़ में फुल है, बट ये फुल ऑन वर्थ है। तो आप बिल्कुल आइए, पांडे लस्सी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वो पांडे मिठाई में आके बिल्कुल लस्सी ट्राई कीजिए, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। अभी हम लोग जा रहे हैं कालाराम मंदिर, थोड़ा आए हैं पंचवटी में, तो थोड़ा देव दर्शन हो जाए। वैसे भी पार्किंग में गाड़ी तो पार्क की है, अभी हम लोग चल ही रहे हैं। कालाराम मंदिर से पहले एक गोरे राम मंदिर आता है, ये रहा वो। सो जैसे मैंने कहा, आप ये हम लोग गोरे राम टेम्पल में है, और कालाराम टेम्पल में इसके आगे कुछ किलोमीटर के बाद है, तो इसके पास में था पांडे लस्सी, वहाँ से हम आए गोरे राम टेम्पल में। और काफ़ी जो लुक है मैंने आपको जस्ट दिखाया, इसके बाद से हम लोग अभी आगे जाएंगे। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, बहुत ही शांत है। हालांकि ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारा रश हो सकता है, बट अंदर आने के बाद आप काफ़ी शांत फील करोगे। ये लेडीज देखो अभी क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, और अभी ये यहाँ पे बैग्स लेने आए क्योंकि यहाँ पे सेल ही नहीं दिखा है, बताओ यार। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, अगर आपको दिन अच्छा करना है तो, कुछ बुरा करना है दिन तो प्लीज़ बोल लीजिए, का दिन खराब हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा था कि अभी हम कालाराम मंदिर में पहुँचे हैं, और ये उसका बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया हुआ आर्किटेक्चर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत ही अच्छी तरह से मूर्ति बनाई है, बहुत ही अच्छा। आजू बाजू का जो एरिया है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पीसफुल लग रहा है यहाँ पे आके। तो अब बिल्कुल मैं जैसे आपको दिखा, ये है पूरा उसका जो एरिया है, और सीधा यहाँ से चल के जाने के बाद जब स्ट्रेट आप अंदर जाओगे तो आपको कालाराम मंदिर दिखेगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक जगह है, प्लीज़ ज़रूर पे विज़िट, और जो वीडियो मैंने निकाले वो आपको दिखेंगे।
सो अभी हम लोग आए हैं पंचवटी में, कालाराम टेम्पल होने के बाद हम लोग नीचे आए। आप देख सकते हैं थोड़ा पानी है, यूजुअली बहुत ज़्यादा पानी भी होता है लेकिन अभी थोड़ा कम पानी है, लेकिन फिर भी डजेंट स्टॉप पीपल फ्रॉम एंजॉइंग इन वाटर। तो आप देख रहे हैं सब लोग मस्त में नहा रहे हैं। एक गोदावरी रिवर है जो यहाँ आती है पंचवटी में, और यही वो जगह है जहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। तो जो भी आपका रिचुअल हो वो लोग यहाँ पे करने के लिए आते हैं, इसकी वजह से थोड़ा आप देख सकते हो इतना अनवांटेड चीज़ें हैं, बट स्टिल ये एक छोटा सा स्पॉट है नासिक के लोगों के लिए कि वो यहाँ पे आके थोड़ा चिल कर सकते हैं। शाम के वक्त तो यहाँ पे और भी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही शांत रहता है माहौल, और दिस इज़ हाउ इट इज़। और यही वो जगह है, आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा पंचवटी का एरिया है। आगे हम लोग जाके और भी जगह जाएंगे, उसके डिटेल्स हम देते जाएंगे। सी यू सून। सो हम लोग अभी पहुँचे हैं समर्थ जूस सेंटर, जैसे आप मेरे वहाँ आप जस्ट ऊपर देख सकते हैं समर्थ जूस सेंटर में पहुँचे। ये नया वाला पार्ट, नया वाला जूस सेंटर है। एक्चुअली जो पुराना वाला है वो मेरे पीछे, आपको रास्ता दिखाता हूँ, यहाँ से सीधा लेफ्ट साइड में पुराना वाला समर्थ जूस सेंटर है। और मुझे मालूम नहीं किसी को पाइनएप्पल जूस पसंद है या नहीं, बट समर्थ जूस सेंटर का पाइनएप्पल सेंट, पाइनएप्पल जूस यू हैव टू ट्राई। ये बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया होता है, और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड हाउ डिलीशियस दिस। हम लोग जस्ट समर्थ जूस सेंटर पहुंचे हैं और जस्ट ऑर्डर किया है जूस, और देखते हैं सानिका को कैसे लगता है। और अभी हमारे साथ सूरज भी जुड़े हुए हैं, और अभी देखते हैं समर्थ जूस सेंटर जो पाइनएप्पल जूस है, पता नहीं सबको पसंद आता है या नहीं, मुझे नहीं पसंद आता था, बट आफ्टर समर्थ जूस सेंटर आई एम डिफरेंट ओपिनियन। देखते हैं अभी इन दोनों का रिएक्शन क्या होता है। और ये आ गया हमारा पाइनएप्पल आइसक्रीम जूस, और देखते हैं हमारे टेबल पे है ये जूस। में आपको आइसक्रीम मिलेगा, ये पाइनएप्पल आइसक्रीम है, इसके साथ अगर आप देखोगे तो आपको पल्प भी दिखेगा। तो पल्प आइसक्रीम और पाइनएप्पल जूस का ये कॉम्बिनेशन है, और नासिक में बहुत से लोग इसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अगर शॉपिंग में सिटी में आए तो ये लेना तो बनता है। और फिर इतना सब घूमने के बाद मौका था शांत बैठ कर सनसेट देखने का। सो अभी हमारा नासिक का दिन ख़त्म होने आया है। सो हम लोग अभी यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, जब सुला वाइन्स आप जाते हो वहाँ से तो वहीं पे हम लोग बैठे हैं। हम बस जा रहे थे, अचानक से हमें ये जगह दिखी और हम बस अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक प्यारा सा सनसेट देखा पीछे, आप देख सकते हो सनसेट तो हो गया है बट उसके जो कलर्स है वो आ गए हैं, और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है पीछे। डे वेल स्पेंट, और ये रहा हमारा स्क्वाड, मेरे मिनियंस, और सुयश ने तो येल्लो ही डाला है। तो हमारे मिनियंस के साथ आज का नासिक का दिन यही ख़त्म होता है। हालांकि हमने पूरा कवर तो नहीं किया फूड पार्ट, बट ये ट्यून ऑन दिस चैनल हम लोग ज़रूरी बहुत ही जल्द कर देंगे, क्योंकि हमें एक डिटूर लेना पड़ा, सुयश के एक फ्रेंड के घर पे हम गए, इसकी वजह से पूरा टूर नहीं कर पाए। बट कंसिडर दिस एज पार्ट वन, पार्ट टू विल बी कमिंग इन फ्यू मंथ्स ऑफ यू वीक्स टाइम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच ट्रैवल स्टोरीज ऑन 1760 गोष्टी। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून। क्या हुआ? राइट, देयर इज नो वर्ड इनसाइड। उगड़त नहीं है म्हटलं। तो अभी हम सुयश का रिएक्शन देखते हैं। पावड़ा चाने ये ले, और मोना ने की थी ये साजिश।